विपक्षी गठबंधन में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी पर विवादास्पद बयान दिया है। नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी को 400 फीट जमीन में गाड़ने की बात कह दी है। वायरल वीडियो में नजरुल इस्लाम ने पीएम मोदी की तुलना हिटलर से करते हुए ये कहा कि पीएम मोदी देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। आगे नजरुल ने कहा कि बीजेपी 400 के पार नहीं होगी, 400 सीट नहीं, नरेंद्र मोदी को 400 फीट नीचे गाड़ दिया जाएगा। बीजेपी ने नजरुल इस्लाम की गिरफ्तारी की अब मांग की है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, नजरुल इस्लाम का ये विवादास्पद बयान, जब वो ये कह रहे हैं कि 400 सीट तो बीजेपी की नहीं आएगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कहा कि 400 फीट नीचे उन्हें गाड़ दिया जाएगा। अब उनके इसी बयान के बाद बीजेपी नजरुल इस्लाम की गिरफ्तारी की मांग कर रही है। एक दूसरे से अलग करते दिखाई दिए। उनमें एक नेता तो दूसरे को उंगली दिखाकर धमकाते नजर आए। वहां झड़प को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के कैबिनेट राज्य मंत्री बृजेश सिंह के गनर को बीच में आना पड़ा और झड़प को देखकर कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो ये बीजेपी का दफ्तर नहीं बल्कि किसी मोहल्ले की गली हो। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ऐसी हाथापाई हो जाएगी इसका किसी को अंदाजा नहीं था। बताया गया कि वहां यूपी के मंत्री बृजेश सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। इसी दौरान अमरोहा के जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार और जिला मीडिया प्रभारी रमेश कलाल के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई, लेकिन कुछ देर में तो बात इतनी बिगड़ गई कि वो दोनों नेता अपनी सीट से खड़े हो गए और एक दूसरे को धक्का मारते दिखाई दिए। वहाँ हंगामा और धक्का मुक्की के बारे में बीजेपी के दूसरे नेता से पूछा गया तो उन्होंने इस बात को नकार दिया। उधर अयोध्या में रामनवमी के जश्न पर रामलला के सूर्य तिलक की तैयारियां पूरी कर ली गई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के बनने के बाद पहली बार रामनवमी पर पूजन किया जाएगा। इस दौरान रामलला का सूर्य तिलक होगा और रामनवमी के कार्यक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा इसी सूर्य तिलक की है क्योंकि रामनवमी के दिन होने वाले भक्ति और साइंस के इस अनूठे मेल को देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब है। इस सूर्य तिलक में सूरज की रोशनी मंदिर की तीसरी मंजिल से सीधे गर्भगृह में मौजूद रामलला की मूर्ति के मस्तक पर गिरेगी। इसका ट्रायल इसी हफ्ते किया गया था। अयोध्या के राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक रामलला के जन्म का शुभ मुहूर्त दोपहर 12:40 का रखा गया, इसलिए ये सूर्य तिलक 11:58 पर शुरू किया जाएगा। इसके लिए वैज्ञानिकों और मंदिर का निर्माण करने वाली टीम ने खास तैयारी की हुई है। प्लान के मुताबिक मंदिर की तीसरी मंजिल में लगे एक शीशे के जरिए सूर्य किरणें सामने लगे अष्ट धातु के पाइप से गुजरेंगी। इसके ठीक सामने रिफ्लेक्टर को इस तरह से लगाया गया है कि किरणें इसके बाद नीचे की तरफ जाएंगी। इस पाइप में अंदर की तरफ काला रंग चढ़ाया गया है ताकि उससे गुजरते वक्त रोशनी में कमी ना आए। ऊपरी किनारे पर लगे शीशे से टकराने के बाद सूर्य की किरण करीब 8 मीटर लंबे उस पाइप में लगे 3 लेंस से होकर गुजरेगी जो उसे नीचे की तरफ धकेलने के लिए लगाए गए हैं। इसके बाद पाइप के निचले सिरे पर एक शीशा लगाया गया है। इससे टकराने के बाद सूर्य किरण पाइप से बाहर निकलते हुए सीधे रामलला के मस्तक में उस जगह पर टकराएंगी जहां तिलक लगाया जाता है और अनुमान के मुताबिक ये सूर्य तिलक करीब 4-5 मिनट तक चलेगा। इस पूरे ढांचे को बनाने में 1-1 इंच का खास ख्याल रखा गया। यहां तक कि गर्भगृह में जब मूर्ति की स्थापना की गई थी तब भी उसकी ऊंचाई को इसी हिसाब से तय किया गया था ताकि आने वाले कई साल तक रामनवमी पर रामलला का सूर्य तिलक किया जा सके। राम मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक इस बार ये सूर्य तिलक 11:58 पर शुरू होगा और करीब 12:03 तक सूर्य की किरणें रामलला के माथे पर रहेंगी। प्रयासरत है कि सूर्य किरण जो है वो भगवान के माथे पर 5 मिनट के लिए आए। इस सूर्य तिलक को अकेले अयोध्या में ही 100 LED स्क्रीन लगाकर दिखाया जाएगा। इसके अलावा पूरी की पूरी अयोध्या को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाएगा। यह भव्यता दिव्यता जो अपने आप में अलौकिक हो। राम मंदिर के बनने के बाद ये रामनवमी का पहला कार्यक्रम होगा। माना जा रहा है कि इस बार वहां ऐसा भव्य कार्यक्रम होगा जैसा पिछले 500 साल में कभी नहीं हुआ और इसी राम जन्मोत्सव कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी गई।
हालांकि अयोध्या का राम मंदिर इकलौता मंदिर नहीं है जहां इस तरह से भगवान की मूर्ति का सूर्य तिलक किया जाएगा। इससे पहले देश के कई मंदिरों में सालों से सूर्य तिलक की प्रथा निभाई जा रही है और वहां भी ठीक उसी तरह से सूर्य तिलक किया जाता रहा है जैसे रामनवमी पर रामलला की मूर्ति का किया जाएगा। हालांकि इन मंदिरों में सूर्य की रोशनी को पहुंचाने के अलग अलग तरीके इस्तेमाल होते हैं। इनमें महाराष्ट्र के कोल्हापुर में महालक्ष्मी मंदिर सबसे ज्यादा मशहूर है। वहां किरणोत्सव के नाम से मशहूर ये प्रथा साल में 6 बार होती है। इनमें 2 बार सूर्य की किरणें महालक्ष्मी की मूर्ति के चरणों पर, 2 बार किरणें मूर्ति के बीचों बीच और 2 बार पूरी की पूरी मूर्ति पर पड़ती हैं। इसके अलावा गुजरात के अहमदाबाद में मौजूद कोबा जैन तीर्थ में भी यही प्रथा निभाई जाती है। वहां 1987 से हर साल 22 मई को करीब 3 मिनट तक सूर्य की किरणें भगवान महावीर के माथे पर रहती हैं। कुछ इसी तरह का चमत्कार बेंगलुरु के गवी गंगाधरेश्वर मंदिर में भी होता है। वहां मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें पहले नंदी पर पड़ती हैं और फिर धीरे धीरे पूरे शिवलिंग को जगमग कर देती हैं। इसके अलावा उड़ीसा के पुरी में मौजूद कोणार्क समेत देश के कई ऐसे मंदिर हैं जिन्हें इस तरीके से बनाया गया है कि सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह तक पहुंचे। और इसी तर्ज पर अयोध्या में रामलला की मूर्ति के लिए सूर्य तिलक का ढांचा तैयार किया गया ताकि आने वाले कई साल तक रामनवमी के दिन रामलला का सूर्य तिलक हो सके। लोकसभा चुनावों के पहले चरण की वोटिंग से पहले एक साथ 29 नक्सलियों को ढेर कर सुरक्षा बल ने बड़ी कामयाबी हासिल की, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हुआ है तब से इतनी बड़ी संख्या में पहली बार नक्सली मारे गए। यानी छत्तीसगढ़ के कांकेर में सुरक्षा बल ने नक्सलियों की कमर ही तोड़ दी। जानकारी के मुताबिक कांकेर जिले में सुरक्षा बल के साथ हुई मुठभेड़ में कई बड़े नक्सली कमांडर मारे गए। उनमें शंकर राव और ललिता माड़वी के भी मारे जाने की खबर है। इन दोनों नक्सली कमांडरों पर 25-25 लाख रुपए का इनाम था। हालांकि इस ऑपरेशन में सुरक्षा बल के कुछ जवान भी घायल हो गए। इस दौरान सुरक्षा बल को मुठभेड़ वाली जगह से 7 AK-47 राइफल समेत कई खतरनाक हथियार बरामद हुए। उस मुठभेड़ में हमारा 3 जवान भी घायल हुआ, उनके स्थिति अभी सामान्य और खतरे से बाहर है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ कांकेर के अबूझमाड़ के जंगल में हुई। अबूझमाड़ जंगल को नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। सुरक्षा बल के मुताबिक जंगल में करीब 60 नक्सलियों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसकी जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बल ने नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया और फिर मुठभेड़ के दौरान कई नक्सलियों को ढेर कर दिया। और नक्सलियों के साथ ये मुठभेड़ इसलिए भी बेहद अहम है क्योंकि 3 दिन बाद लोकसभा चुनाव के पहले चरण में छत्तीसगढ़ में भी मतदान होगा। हालांकि कांकेर लोकसभा सीट पर दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को वोटिंग होगी। जानकारी के मुताबिक इस ऑपरेशन में रामदेव नाम के खूंखार नक्सली कमांडर के भी मारे जाने की खबर है और उसका ढेर होना सुरक्षा बल के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है, क्योंकि रामदेव नक्सलियों की मिलिट्री कमीशन का टेक्निकल हेड बताया जाता है। इसके अलावा उसे किसी भी तरह के खतरनाक हथियार बनाने में महारत हासिल थी। जानकारी के मुताबिक रामदेव नक्सलियों के लिए हथियार बनाने का काम करने के साथ उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी देता था। खबर ये भी है कि वो AK-47 जैसे खतरनाक हथियार बनाने में जुटा था और सुरक्षा बल के सूत्र बताते हैं कि उसके